लगन के फंक्शन के बाद दूसरे दिन हम लोग लग गए हैं हल्दी और बान की रस्म निभाने के लिए। बान और हल्दी की रस्म के लिए 7 गांठें, जो और ये 2 मूसल की ज़रूरत होती है। और ये जो रस्म है वो 7 सुहागने मिलकर करेंगी, और जो ये बान और हल्दी की रस्म है वो आज ही हो जाती है। तो किस तरह करते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो रस्म है ये वैसे छूटती जा रही है लेकिन अभी भी हमारे यहाँ तो निभा रहे हैं देसी तरीके से, क्योंकि स्पेशल मूसल बनाए जाते हैं। और इस तरह एक तरीके से ये जो डाले जाते हैं हाथ पकड़ के, जो पहले हिस्से चले आ रहे हैं सारे रस्में, वही ट्रेडिशनल तरीके से सारी चीज़ें निभाई जा रही है। और मैं आपके साथ शेयर भी इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो रस्में हैं ये आगे तक जाएं और सबको भाई याद रहें, क्योंकि इनसे ही हमारा अस्तित्व जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद ये जो सामान रखा हुआ है ये है उबटन और जो हल्दी की रस्म होती है ना वो निभाने के लिए। तो ये एक घास होती है और इसमें हल्दी होती है, तेल होता है, दही होता है और थोड़ा सा बेसन या उबटन के तरीके से थोड़ा सा आटा टाइप में होता है। तो ये लगाया जाता है दूल्हे को इस तरह घास से। तो 7 सुहागने ये पूरा अच्छे से नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा एक शगुन करते हैं ये, तो ये लगाया जाता है। सोने की तगड़ी उबटन हल्दी तेल की रस्में हो गई है। और अभी दूल्हा नहा लिया है और उसके बाद अब हमारी एक और रस्म है। इसके बाद ये आरती किया जाएगा, जो 7 जितनी भी ये 7 सुहागनों ने जो ये रस्में निभाई है, सतलगी बोलते हैं, तो यहाँ उनको ये पतासे दिए जाएंगे शगुन के लिए। भाई शगुन का में जो पतासा होता है वो सबसे मेन होता है, मीठा है ये भाई, हमारे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। शगुन में पतासा सबसे शुभ माना जाता है।
तो दूल्हे की जो बहन है तो वो आरती करेंगी और उसके बाद ये रस्म हमारी यहीं पूरी हो जाती है। लेकिन आरती का एक तरीका है ट्रेडिशनल हमारा, तो वो यही है कि पूरा अच्छे से आरती पीलिए के साथ किया जाता है और ये जो सीख है इसमें आटे से आगे लगा हुआ है आटा और इसको पीछे फेंका जाता है, साथ ही पल्ले से पानी पिया जाता है। ये देखना अभी, ये मैं कहीं कहीं देखा है, जो हमारा ट्रेडिशनल है ये कम कम देखने को मिलता है जो अभी तक हम कर रहे हैं। कोई भी आरती जब करते हैं किसी भी रस्म में तो हमारे यहाँ ऐसे बहन है या भुआ है वो ऐसे ही पानी पीती है। तो ये थोड़े से रस्में देखो आप। उसके बाद देवताओं की पूजा। तो ये जो कपड़ा रखा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं सब यहाँ रख के और जोत जलाई जाती है और ये पूजा हो रही है। और फिर शाम को पहुंच गए हम कुम्हारों के यहाँ चाक पूजने के लिए। अभी भी हमारे यहाँ कुम्हारों में ही जाते हैं और ये बड़ा सा चाक पूजा जाता है। पूरा ट्रेडिशनल तरीके दिखा रही हूँ मैं आपको सारी रस्में, ताकि ये मेरे पास भी रहे, हमारे बच्चे भी देखें और कुछ सीखें और हमें भी याद रहे और आगे तक ये सारी चीज़ें जाएँ। इसलिए सारी रस्में मैं अपने लिए और आपके लिए शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ सारी लाइक ज़रूर करना ताकि है ना ये चीज़ें आगे तक जाए, और शेयर भी करना उन, हमें ये चीज़ें यहीं नहीं रोकनी है, आगे तक लेके जानी है ताकि हमारी रीति रिवाज बने रहे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और शेयर ज़रूर करना, वीडियो को यहाँ तक मत रोकना। ये सारी जानकारी आगे भी आपको शेयर करनी है। तो आगे मिलेंगे आप शादी के जो रीति रिवाज है वो सारी चीज़ें और वहाँ क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग वही आने वाला है, तो कल मिलेंगे। बाय बाय।